थकारा बदन हो चरण हारे थके चाहे सबल पर अपना मन है लिया संकल्प हमने हाथों लेकर हाथ में इस विजय पथ में बढ़ेंगे ले सभी को साथ में हमेशा ही अपनी सहायता का विश्वास सबल है नई नई है डगर हमारी ग्राम संगठन बल है साहूकार का जोड़ नहीं अब हम पर चलने वाला साथ जीविका है हर घर में दीपक जलने श्री विधि रोपबै माँ करिया हो रामा बरी फगुन माँ प्रणाम दीदी प्रणाम दीदी खेतवा में कौची कराऊ दीदी अकेले देखू ना दीदी माँ का रोप लिया खेतवा में तब जहाँ तहाँ तो बहुत छेहर है बड़ी कम जलम ले है एकदम यही देखे लिया खेतवा के हाँ दीदी बड़ी छेहर छेहर जलम लो है दीदी देखे में तो एक गो लग रहा है हाँ खेत पर ही थो दीदी हाँ दीदी वही तो देख है ठीक है दीदी हम पिछला साल मनु मकई लगे लिया हमने जीविका से जो श्री विधि से ट्रेनिंग हमने के मिले हल जो लगे लिया जो बड़ी अच्छा हो दीदी आओ अबरी भी लगावे जा रहा लिए उसी मकई हाँ वाह दीदी तू नया विधि से लगे लुआ हमने के जानकारी ना ले दीदी आई मनी लगवे ऐसे तो कुल खेत पर इतना जाए आओ अथी कम दर वो जाए तू हमनियो के सिखा सकाउ दीदी हाँ दीदी सिखा देबो अच्छा तो ठीक है ठीक दीदी चल भी सीखे ठीक दीदी चला दीदी आई खेतवा में लगा रही है मक्का आओ बता भी देबो चला चला दीदी सीखे लेबी चला दीदी बता भी देबो चला यहाँ तक तो चाली लिया अपन पर्चे ना देलू दीदी ठीक हो दीदी हम अपना पर्चे अब दे हियो हमार नाम मानती देवी है को आ गाजीपुर घर हको आओ नई पोखर पंचायत हको आ माँ काली जीविका स्वयं सहायता का अध्यक्ष छियो जननी ग्राम संगठन के सदस्य हो भी VRP काम करहियो प्रखंड राजगीर जिला नालंदा आ लहुआर क्लस्टर के हियो ठीक हो दीदी हम अपना पर्चे तो दे दिलियो अब अपना पर्चे देहो दीदी ठीक दही हाँ दीदी अपन पर्चे दही हमार नाम रीता देवी होल शांति जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य घर गोरौर है छबिलापुर क्लस्टर आओ जिला नालंदा प्रखंड राजगीर के खेत तो बड़ी अच्छा तैयारी कर लुआ दीदी तेरा में कौची कौची डालू है कैसे तैयारी कर लुआ खेत बजरी बताऊ ठीक है दीदी मतलब एक कट्ठा जमीन है को खेत आ एक में मतलब एक बार जोताई कर लियो फिर 12 किलो बर्मी कंपोस्ट डाला लियो आकर बाद नहीं है को बर्मी कंपोस्ट तो 20 किलो सड़ा हुआ गोबर भी रहतो ओकरा मनुम छीट के आ फिर जोताई करके आ चौकी दे देना है देखो दीदी मतलब मकई लगावे से नया विधि से यह सबन हमारा सब सामग्री है को देखो ठीक है दीदी यही सब है हाँ दीदी देखो दीदी ये हको एक कट्ठा के 400 ग्राम बीज हको अकरल मतलब शोधन कैल हको आ 1.5 फीट के ये डंटा हको आ ये खुरपी हको रोपे ले आ 1 फीट पर ये रस्सी गांठ कैल हको गिट्ठा बांधल आ दोनों दिन ये डंटा हको मतलब दोनों दिन तान के मतलब रोपाई करे लगी देखो दीदी अब हम श्री विधि से मकई मनु रोपबो रसिया पकड़ा तान के बताइए देखा दीदी हम श्री विधि मकई रोपे ले मतलब हम लाइन से रोपे ले एक रस्सी दूगो डंटा हो आ ये एगो तू ओने लेके चल जा हम एने गड़बो आ ओ मतलब गिटाहिया हको ने एक एक दाना ओकरे तरी रोपबो ठीक दीदी तो चलियो आने लेके हाँ दीदी जा ठीक ठीक हो दीदी तू मतलब गाड़ा ही सोझे लाइन करके फिर यहाँ हम गड़ ही आवन दीदी अब हम रोप के बताब हियो लाइन में देखो दीदी लाइन घिचल हको एक एक दाना एक पर हम रोपबो मकई अच्छा ये गठ दिले दीदी हाँ दीदी कितना दूर पर दिलू है गिटहिया 1 फीट पर है दीदी ओ, तो ओकरे पर रोपो हाँ एकरे पर रोपो ठीक है तो रोप श्री विधि रो
पबई माँ करिया हो रामा फेबरी फगुना माँ श्री विधि रो पबई माँ करिया हे रामा फेबरी फगुना माँ फेबरी फगुन माँ दीदी अबरी फगुना माँ बलरे बेचिए बेची बेटी के पढ़ाई वाली बलिया बेचिए बेची बेटी के पढ़ा वाली से हो बे। देखो दीदी एक लाइन तो हम घींच देलियो आ दूसरा लाइन मानो में रोपे ले लाइन घींचे ले 1.5 फीट के डांटा हको दूसरा लाइन घींच ले। अच्छा दीदी तो ऐसे में 1 फीट रोपहू और ऐसे लाइनिया में 1.5 फीट लेहू। हाँ दीदी लाइनिया मानो में रोपना है 1 फीट में और 1.5 फीट में मतलब ये फिर दूसरा लाइन घींचना है। रोपाई 1 फीट में हाँ लाइन 1.5 फीट में 1.5 फीट में ठीक है। देखो दीदी श्री विधि मकई रोपे ले कुछ मतलब ध्यान करे पड़ा है कि पहले खेत में नमी रहना है और ओकर बाद कि 1 फीट दूरी पर 1 दाना गिरावे को और 1.5 फीट के दूरी पर लाइन खींचना हो। अच्छा ठीक दीदी खेत में नमी रहना चाहिए। हाँ दीदी 1 फीट पर रोपाई होना चाहिए दाना। हाँ दीदी 1.5 फीट पर अथी लाइन खींचना है। ठीक दीदी। अच्छा दीदी श्री विधि से रोपे से का फायदा है और हम अन्ही रोपे ही ओरा में की अंतर है जरी बता दो। ठीक दीदी मतलब हम बता रही हो कि श्री विधि से मतलब लाइन से रोपे के की अथी है मतलब पहले तेरा में बीज कम लगतो आ फिर मतलब कोड़े के लिए मतलब कोड़ना निकालना है तो मतलब कि एरा में लाइन से बढ़िया रहतो सुविधा रहतो पहले तो बीज कम लगतो आ फिर कोड़े निकले में बढ़िया होतो आ फिर वो पेड़ के मतलब पौधा के विकास करने में भी बढ़िया होतो ओरा से कि फायदा हो कि देखो कि घौंजे मौंजे ढेर सनी रहा है तो ओकरा मतलब एक बाल फेंकल को एगो में नहीं भी आराम हो कि मतलब 1 फीट पर दूरी पर हको तब एक मतलब कि है कि 1 से 2 बाल भी फेंका है आ मनुम कि ओकर पेड़ भी मजबूत रहा है तो पेड़ मजबूत रहा है तो ओकर पुष्ट दाना रहा है मतलब बाल पुष्ट रहा है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जे इतना बढ़िया से बता दलथिन तब पहले तो करिए दिलिए अपन विधि से लेकिन अब हमहूँ जे बचा है खेती जे श्री विधि सब करबे और हम अपन गाँव में भी सबके दीदी के बतेबी।